2014 में। उस टाइम पर ना बाइनेंस एक्सचेंज था, ना कॉइनबेस था, ना इंडिया में वजीर एक्स था, जेप पे था, कोई नहीं था। तो ये होल्डिंग पावर आपकी, लास्ट होल्डिंग पावर आपकी यहाँ पर ये दिखाएगी कि आने वाले बुल सीजन में, बुल सीजन का जो टाइम है, तो आपको यहाँ पर उसे 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, यानी कि लगभग यहाँ पर आप उसे कैलकुलेशन कर सकते हैं कि कितना आपके पास में टोकन है। अब दोस्तों देखिए, बिटकॉइन को लेकर के बहुत बड़ा पैनिक यहाँ पर मार्केट में फैल चुका है, जो कि ऑलरेडी आप अपने मोबाइल पर, लैपटॉप पर, स्क्रीन पर हर जगह देख चुके होंगे कि यहाँ पर जो आज बिटकॉइन है वो लगभग $60,000 के आसपास को टच करके आया है। बिटकॉइन का रेट इतना डाउन जाने का जो रीजन है वो मेनली है क्या, और क्या न्यूज मार्केट में यहाँ पर आज के समय पर सर्कुलेट हो रही है। साथ साथ हैमस्टर कॉम्बैट का जो रेट है वो यहाँ पर जब ये लिस्ट होगा तो कितना जा सकता है, कंप्लीटली बात करने वाले हैं। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, टेलीग्राम चैनल का वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसे ज्वाइन कर लीजिए, और दोस्तों चैनल को आप यहां पर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहां पर चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना बहुत जरूरी है। अब मेरे पीछे आप सभी को यहां पर चार्ट दिख रहा होगा, जिसमें यहां पर ये कैंडल है, ये ऑलरेडी आप सभी को इंडिकेट कर रही है कि भाई बिटकॉइन का रेट लगभग यहां पर चल रहा है $60,800 के आसपास। तो इतना जो प्राइस में जो गिरावट है वो यहां पर हमें क्यों देखने को मिल रही है भाई? सबसे पहला जो मार्केट में न्यूज निकल करके आ रहा है ना, वो चीज यहां पर आप सभी को पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो न्यूज़ है, ये जो बातें हैं, ये अब से नहीं चल रही हैं। आप सभी को नहीं पता तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, माउंट गॉक्स एक एक्सचेंज हुआ करता था 2014 में। उस टाइम पर ना बाइनेंस एक्सचेंज था, ना कॉइनबेस था, ना इंडिया में वजीर एक्स था, जेप पे था, कोई नहीं था यहाँ पर। आप यहाँ पर मानिए कि ये जो माउंट गॉक्स एक्सचेंज था, ये उस समय का सन 2014 में, यानी कि अब से 10 साल पहले, ये लीडिंग एक्सचेंज हुआ करता था, और लोग यहाँ पर ट्रस्ट करते थे, क्योंकि लोग इतने अवेयर नहीं थे कि कहाँ पर जा करके अकाउंट बनाए। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ। घोटाला क्या हुआ, वहां पर बता दिया गया कि एक्सचेंज में कुछ लीकेज हुआ है, यहां पर जो उसकी सिक्योरिटी है वो ब्रीच हुई है, और वहां पर जो लोगों के फंड पड़े हुए थे माउंट गॉक्स एक्सचेंज पर, उन्हें यहां पर हटा दिया गया। अब ये घोटाला उजागर हुआ, लोग वहां पर कोर्ट में चले गए, और उसके बाद में जो हियरिंग है, जो सुनवाई है, वो लगातार चल रही थी। अभी फिलहाल के समय पर ये डिसीजन आया है कि जो लोगों का फंड उस समय पर फंस गया था माउंट गॉक्स एक्सचेंज पर, एक्सचेंज को ये लोगों को लौटाना है। अब से पहले भी कई बार ये डिसीजन ऑलरेडी आ चुका है, और माउंट गॉक्स ने लोगों को जो उनका फंड है वो रिलीज किया है। यहां पर इसी कड़ी में अगले महीने यानी जुलाई में माउंट गॉक्स एक्सचेंज को यहां पर लोगों को जो उनके बिटकॉइन है, और बिटकॉइन के साथ में उनके बिटकॉइन कैश, ये दोनों का दोनों यहां पर रीपेमेंट यहां पर स्टार्ट करने जा रहा है। यानी कि जुलाई में माउंट गॉक्स एक्सचेंज यहां पर अपनी तरफ से लोगों को बिटकॉइन और बिटकॉइन कैश यहां पर रिलीज करेगा, यानी लोगों को रीपेमेंट करेगा जिनका फंड उस समय पर माउंट गॉक्स एक्सचेंज पर पड़ा हुआ था। तो ये मार्केट में फिलहाल के समय की सबसे बड़ी नेगेटिव न्यूज है, और मार्केट प्लेयर ऑलरेडी ये जानते हैं कि मार्केट में जब जब इस तरह की न्यूज आनी है, उन्हें स्मार्टली किस तरह से प्ले करना है, क्योंकि जब वो मार्केट में स्मार्टली इस तरह से प्ले करेंगे तो मार्केट और ज्यादा डाउन जाएगी, और मार्केट जितना ज्यादा डाउन जाएगी उतने ही ज्यादा उनके पैसे और ज्यादा बनने वाले हैं। इसी तरह से ऑल्ट कॉइन में भी ऑलरेडी आप सभी को पता होगा, जो पोजीशन आप सभी ने बनाई हुई है वो और ज्यादा खस्ता हालत में यहां पर फिलहाल के समय पर पहुंच चुकी है। और दोस्तों जितनी भी व्हेल्स हैं वो यही चाहती हैं कि यहां पर जो आपका फंड है वो आप धीरे धीरे लूज करें, आप पैनिक में आ जाएं कि भाई मार्केट तो यहां से अब यहां पर और भी ज्यादा डाउन जा रहा है, हमारी सोच से भी ज्यादा डाउन जा रहा है। तो ये ऑलरेडी मार्केट जो बड़े प्लेयर हैं वो चाहते हैं। आप सभी को बता दूं आपकी जानकारी के लिए, अभी फिलहाल का समय का जो टाइम आपने यहां पर गुजारा है पिछले 2-3 साल का समय, 2022, 2023 और 2024 का भी ये समय आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर आपने ये बियर सीजन यहां पर काट लिया है और 2-2.5 साल का जो लंबा पीरियड है ये आपने यहां पर गुजार लिया है, तो ये होल्डिंग पावर आपकी, लास्ट होल्डिंग पावर आपकी यहां पर ये दिखाएगी कि आने वाले बुल सीजन में, बुल सीजन का जो टाइम है वो हर साइकिल में लगभग जो होता है वो होता है अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का, और यहां पर भी वही कैलकुलेट किया जा रहा है, और मार्केट को उसी तरह से स्मार्टली प्ले भी किया जा रहा है। यहां पर अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में मार्केट यहां पर अच्छा खासा जंप लेने वाली है, और मल्टीपल एक्स आप यहां पर आपके ऑल्ट कॉइंस जो होंगे ना वो यहां पर आपको प्रॉफिट देकर के फिर जाने वाले हैं। अब वो आपके ऊपर है कि आप यहां पर अपनी होल्डिंग पावर कितना दिखाते हैं। अब दोस्तों मैं आपको लेकर के चलता हूं हैमस्टर कॉम्बैट का जो रेट है वो कितना हो सकता है। अब दोस्तों मैंने यहां पर कुछ कंपैरिजन किया है। कंपैरिजन किस चीज का किया है, मैंने यहां पर कंपैरिजन किया है नॉट कॉइन को लेकर के, और ये नॉट कॉइन यहां पर आप सभी को दिख रहा है भाई, इसका जो रैंक है 65 रैंक पर ये ऑलरेडी यहां पर जंप कर गया है। ये मार्केट में आना और मार्केट में इतनी हाइप यहां पर क्रिएट कर देना, बड़े
बड़े एक्सचेंज यहाँ पर लिस्ट करने के लिए दोस्तों लाइन में लग गए और उन्होंने लिस्ट भी किया। तो भाई हेमेस्टर कॉम्बैट भी यहाँ पर ऑलरेडी आप सभी को बता दूं कि भाई बाइनेंस पर जरूर लिस्ट होगा, बायबिट बाइनेंस यानी जो बड़े लीडिंग एक्सचेंज है वहां पर लिस्ट होगा ही होगा, ये आप सभी बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए। अब यहाँ पर इसका सारा का सारा मार्केट कैप फिलहाल का आज के दिन का क्या चल रहा है और 24 आवर ट्रेडिंग वॉल्यूम ये भी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, सर्कुलेटिंग सप्लाई, टोटल सप्लाई, मैक्सिमम सप्लाई, ये सभी कुछ यहाँ पर ऑलरेडी मैंने स्क्रीनशॉट लेकर के आपके सामने रखी हैं। अब यहाँ पर हम कंपैरिजन करने वाले हैं जब नॉट कॉइन यहाँ पर मार्केट में लिस्ट हुआ था और यहाँ पर जो हेमेस्टर कॉइन है वो जब लिस्ट होगा तो उसका रेट यहाँ पर कितना जा सकता है। अब मैंने ऑलरेडी अपने पीछे यहाँ पर दिखाया कि भाई ये है यहाँ पर नॉट कॉइन का डाटा और मेरे जो लेफ्ट साइड में है यहाँ पर ये है यहाँ पर हेमेस्टर, ये हो गया यहाँ पर हेमेस्टर। तो मोटा मोटा मैं आप सभी को बस यहाँ पर बताने वाला हूँ कि यहाँ पर नॉट कॉइन के जो यूजर थे यानी जो ट्रेडिंग वहां पर वो कर रहे थे यानी कि जो टैपिंग वहां पर कर रहे थे वो थे 35 मिलियन यूजर थे, नॉट कॉइन के 35 मिलियन यूजर थे जबकि हेमेस्टर कॉम्बैट के 200 मिलियन यूजर है, यानी कि लगभग 5 से 6 गुना ज्यादा है हेमेस्टर कॉम्बैट के। 6 गुना वॉल्यूम आना ये कोई आसान बात तो है नहीं क्योंकि हेमेस्टर कॉम्बैट ये ऐसा पहला कॉइन यहाँ पर पहला टोकन बन चुका है इतनी बड़ी संख्या में लोगों को यहाँ पर क्राउड को लेकर के यहाँ पर मार्केट में आया है। अब जो मार्केट कैप था नॉट कॉइन का वो था यहाँ पर 200 मिलियन का जब यहाँ पर ये आया था, उसके बाद में दोस्तों जो टोकन दोस्तों जो माइन हुए थे टोटल वो थे यहाँ पर जो 102 ट्रिलियन और उसको 1000 से इन्होंने डिवाइड किया था और तब लोगों को यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किया था, यानी कि 102 ट्रिलियन को यहाँ पर उन्होंने 1000 से डिवाइड कर दिया था, 1000 के बदले में एक टोकन वहां पर लोगों को इशू किया गया था। तो दोस्तों यहाँ पर जो टोटल टोकन इशू हुए थे 102 बिलियन थे। नॉट कॉइन की मैं आप सभी के सामने अभी फिलहाल यहाँ पर बात कर रहा हूँ और जो इसका प्राइस था लिस्टिंग का 0.004 यहाँ पर जो स्टार्टिंग रेट था वो यहाँ पर चला गया था और अभी का जो रेट है वो भी यहाँ पर आप सभी को दिख रहा होगा 0.0135 डॉलर, यानी कि 10 को वो ऑलरेडी किल कर चुका है जब ये यहाँ पर लिस्ट हुआ था और लिस्ट होने के बाद में आप सभी को पता है कि जो प्राइस में जंप है वो हमें जरूर देखने को मिलता है। अब हम बात कर लेते हैं नॉट कॉइन का, मैंने यहाँ पर आप सभी के सामने डाटा रखा है, इसी के बराबर में ही हेमेस्टर कॉम्बैट है, इसका 200 मिलियन यूजर बेस है आप सभी को पता है। अब यहाँ पर 200 मिलियन यूजर बेस का होना वो कोई आसान बात तो है नहीं। अब जो इसका मार्केट कैप है यहाँ पर जो संभावनाएं हैं क्योंकि मोस्टली जो मार्केट कैप है वो इतना ही रखा जाता है 200 मिलियन 250 मिलियन या 300 मिलियन के आसपास बाइनेंस जैसे बड़े एक्सचेंज के ऊपर, ये ऑलरेडी यहाँ पर इस तरह से हम कैलकुलेट करके अंदाजा लगा सकते हैं। और जो लोगों को यहाँ पर टोकन इश्यू होंगे वो 102 ट्रिलियन के आसपास ही होने वाले हैं। अब यहाँ पर हम कैलकुलेशन करेंगे किस हिसाब से, क्योंकि यहाँ पर इसकी कम्युनिटी लगभग 4-5 गुना ऑलरेडी बड़ी है नॉट कॉइन के मुकाबले, तो इसे हम उससे 4 से डिवाइड कर देते हैं। तो फिलहाल के समय पर 102 ट्रिलियन को यहाँ पर आप 4 से डिवाइड कर दीजिए और इसका जो रेट निकल करके आएगा हेमेस्टर के नॉट कॉइन के मुकाबले, क्योंकि नॉट कॉइन का जो रेट था यहाँ पर 0.004 था और इसका जो रेट है उसे हम 4 से जो डिवाइड है वो कर देते हैं, यानी कि 0.001 डॉलर जो स्टार्टिंग रेट है वो यहाँ पर इतना इसका हो सकता है, एक हेमेस्टर कॉइन का जो रेट है 0.001 डॉलर। अब यहाँ पर जो टोकन इश्यू होंगे उसके लिए क्या कैलकुलेशन यहाँ पर हम कर सकते हैं, भाई 1 मिलियन टोकन अगर आपके पास में है और उसका कितना रेट हो सकता है, 1 मिलियन टोकन आपके पास में है, 10 लाख कॉइन 10 लाख टोकन आपके पास में है तो उसका रेट किस तरह से हो सकता है, उसको 1000 से हम डिवाइड करेंगे जिस तरह से नॉट कॉइन को भी 1000 से ही डिवाइड किया था और तब उसका रेट निकल करके मार्केट में आया था। 1 मिलियन को 1000 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आता है 1000 और 1000 को फिलहाल के समय पर हम यहाँ पर कैलकुलेशन के हिसाब से यहाँ पर बात करेंगे तो 0.001 डॉलर जो इसका रेट निकल करके आया है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 डॉलर आएगा, यानी कि 1 मिलियन यानी 10 लाख टोकन का जो रेट है वो यहां पर 1 डॉलर निकल करके आने वाला है। अब यहां पर अगर आपके पास में 1 मिलियन का ही कैलकुलेशन बताया मैंने, 1 मिलियन के हिसाब से 1 डॉलर यहां पर आपको मिलेगा, अगर आपके पास में यहां पर 100 मिलियन है तो आपको यहाँ पर उसे 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, यानी कि लगभग यहाँ पर आप उसे कैलकुलेशन कर सकते हैं कि कितना आपके पास में टोकन है। तो उसी हिसाब से फिलहाल के समय पर जो इसका 1 मिलियन टोकन है उसका जो रेट है वो 1 डॉलर निकल करके आ सकता है नॉट कॉइन के मुकाबले में। नॉट कॉइन का सारा डाटा ऑलरेडी अवेलेबल है, ये मैंने आप सभी को दिखाया कि यहाँ पर सर्कुलेटिंग सप्लाई कितनी थी, टोटल सप्लाई कितनी, मैक्सिमम सप्लाई कितनी, ये सारा का सारा डाटा यहाँ पर दिया गया था और उसी के कंपेरिजन में हमने यहाँ पर हेमेस्टर का निकाला
निकाला कि भाई अगर आपके पास में 1 मिलियन है यहाँ पर हेमस्टर टोकन, तो उसका यहाँ पर आपको $1 मिलने वाला है। बाकी आप सभी समझदार हैं, ये जो डाटा है ये मैंने अपनी तरफ से कैलकुलेशन करके निकाला है आप सभी के लिए। एक्चुअल क्या होगा ये आने वाले समय में देखने को जरूर मिलेगा। वीडियो ज्यादा से ज्यादा आप यहाँ पर लाइक कीजिएगा, आप यहाँ पर चैनल पर बहुत अच्छा यहाँ पर सपोर्ट दिखा रहे हैं। टेलीग्राम चैनल को भी आपको यहाँ पर ज्वाइन जरूर कर लेना है, जहां पर आपको डेली के जो साइफर कोड्स हैं, पिक्सलवर्स में क्या हो रहा है, हेमेस्टर में क्या हो रहा है, और यहाँ पर आने वाले समय में मार्केट में क्या क्या हो रहा है, वो सारी सारी अपडेट्स यहाँ पर टेलीग्राम पर आपको देखने को जरूर मिलती है। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कल नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू, हैव ए गुड डे।